तीर्थंकर श्री ऋषभ देव महावीर प्रभु को करूं नमन, उनके पथ पर चलने वाले श्री गुरुओं को भी वंदन। ब्राह्मी से चंदन बाला तक गणिनी माताओं को नमन, उनकी प्रतिकृति ज्ञानमती जी स्वीकारो मेरा वंदन। भव्यात्माओं, आप लोग परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 59वें आरिका दीक्षा दिवस के अवसर पर उनके संबंध में श्रवण कर रहे हैं। संबंध तो उनका क्या है, गौरव है हम सबको उनके ज्ञान की गरिमा पर। आपने सुना है कि चतुर्थ काल में भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई वाणी को किस तरह से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी हमें एक छोटी सी पुस्तिका के माध्यम से संकलित करके प्रदान कर रही हैं। ये पुस्तक मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें उन्होंने संकलन किया है गौतम गणधर स्वामी की वाणी को। शीघ्र ही यह पुस्तक छप करके आपके सामने आएगी। जैसे आप प्रतिदिन तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हैं 10 अध्यायों में, इसके अंदर भी छोटे छोटे 10 अध्याय हैं, और आप रोज इसको पढ़िए। 10 लक्षण पर्व के अवसर पर विद्वान भी इसके बारे में आपको एक एक अध्याय के बारे में सुनाएंगे, और आप रोज भी जब पढ़ेंगे तो साक्षात गौतम गणधर की वाणी को पढ़ करके गदगद हो जाएंगे। महान पुण्य का बंध करेंगे, असंख्य कर्मों की आपकी निर्जरा हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं की वाणी के आधार पर हमें आचार्यों ने अपनी अपनी कृतियां प्रदान की हैं। चाहे वो तत्वार्थ सूत्र है, चाहे आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी का समय सार है, अनेकानेक आचार्यों ने हमारे ऊपर उपकार किया है, लेकिन पहली बार साक्षात गौतम गणधर की वाणी को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो प्रदान कर रही हैं, उन्होंने प्रदान किया है। इसे पढ़ करके तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि हम किस तरह से भगवान महावीर की वाणी को ही समझो, उनकी दिव्य ध्वनि के सार को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आज से 58 साल पहले पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपने गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज से ज्ञानमती इस नाम को प्राप्त किया था। वैसे तो उनके हाथ में पिच्छिका आए हुए 61 साल पूरे हो गए, 62वां साल चल रहा है, और 62 साल उन्होंने इस 80 धारा व्रत को पालन करके अपने जीवन को तपस्या से कुंदन बना लिया है अपनी आत्मा को। इन्हें आगर्भ ब्रह्मचारिणी कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि संसार के काम भोग बंद की कथाओं को इन्होंने जाना नहीं, सुना नहीं, अनुभव करने की तो बात ही नहीं। बचपन से ही इन्होंने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, घर की सारी कुरीतियों को समाप्त कर दिया, और ऐसा चमत्कार दिखाया भगवान की भक्ति का कि सारे उस टिकैत नगर ग्राम में जहाँ इन्होंने जन्म लिया था, बाराबंकी जिले में, उत्तर प्रदेश में टिकैत नगर ग्राम है, आज वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह से भक्ति के बल पर एक मैना ने, यानी इनका गृहस्थ नाम मैना था, एक मैना नाम की कन्या ने कैसे भगवान की भक्ति का चमत्कार दिखाया था अपनी दृढ़ता के बल पर। और आज भी उस नगर के अंदर, उस गांव के अंदर, वहाँ आसपास में कोई किसी तरह की कुरीति नहीं चलती, सब लोग खाली सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करते हैं, सम्यक दृष्टि हैं, खूब उन्नति करते हैं। ऐसे उस ग्राम में जन्मी मैना ने सन 1952 से ही घर का त्याग करके और आज 80 साल की उम्र में लगातार अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में लीन रहती हैं। ऐसी ज्ञानमती माता जी नित्य नए उपहार हमें देती हैं। नए नए तीर्थों को आप देखते हैं, भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर से भगवान महावीर की जयंती का प्रसारण, या भगवान महावीर की उस कुंडलपुरी में जा करके तीर्थ यात्रा करके आप कितने खुश होते हैं।
हर व्यक्ति जो वहाँ से आता है वो कहता है कि हम कुंडलपुर गए, नंद्यावर्त महल देखा, वहाँ जैसी व्यवस्था, वहाँ जैसी शांति और वहाँ जैसे भगवान के दर्शन का चमत्कार हमने कहीं देखा ही नहीं। यानी इतने प्रसन्न होते हैं लोग उस धरती पर जाकर के। तो ये सब ज्ञानमती माता जी का हमारे ऊपर उपकार है। इन्होंने तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों का जो विकास करवाया, उसके तीर्थोद्धार की प्रेरणाएं दी, उससे जैन समाज को अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। और उसी श्रृंखला में नित्य ही नए नए साहित्य का ये निर्माण करती हैं। आजकल बहुत तेजी से पूज्य माता जी आगम के प्राचीन प्राचीन विषयों को ला करके हम शिष्यों को पढ़ाती हैं, बताती हैं और हम उन्हें हृदयंगम करने का प्रयास करते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये श्री गौतम गणधर्व वाणी जो उन्होंने संकलित करके दिया है, उसके अंदर 10 अध्याय हैं। और 10 अध्यायों में जब हमें रोज़ रोज़ उसका की वाचना कराती हैं, मध्याह्न में 3:30 बजे से 4:30 बजे तक उसकी बहुत सुंदर वाचना चल रही है। और इस अवसर पर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में पूज्य आचार्य श्री रैण सागर महाराज जी, जो आचार्य श्री शांति सागर महाराज दक्षिण वालों की परंपरा के ही उदीयमान नक्षत्र हैं, 36 साल पुरानी जिनकी दीक्षा है, ऐसे आचार्य रैण सागर महाराज जी पूज्य ज्ञानमती माता जी से मिलने के लिए, जम्बूद्वीप के दर्शन करने के लिए हस्तिनापुर पधारे हैं। उनके ही पावन सानिध्य में पूज्य ज्ञानमती माता जी इस वाचना को करा करके हम सबको गौतम गणधर की वाणी का रसास्वादन प्रदान कर रही हैं। उसी के संदर्भ में जानिए कि किस तरह से गौतम गणधर भगवान ने हम सब लोगों के लिए क्या क्या कहा है। तो आगे बताते हैं, तेन महावीरेण केवल नानिना कही दत्थो तम्ही चेव काले तथ्येव खेते खयोग सम जनिद चौरमल बुद्धि संपन्नेन ब्रह्मनेन गोदम गोतेन शैल दुस्सुहि पारेण जीवा जीव विषय संदेह विनाश नठ मुम गय वड्ढमान पाद मूलेन इंद्रभूदना अवहारितो। बहुत ही सुंदर शब्द है प्राकृत ने, कहते हैं उन महावीर स्वामी, वो महावीर स्वामी कैसे हैं, केवल ज्ञानी हैं, उनके द्वारा कथित जो अर्थ, उनकी जो खीरी दिव्य ध्वनि, तो उसी तम्ही चेव काले, उसी काल में जैसे दिव्य ध्वनि खीरी भगवान की, उसी काल में और उसी क्षेत्र में विपुलाचल पर्वत, राजगिरी पर्वत, विपुलाचल पर्वत भगवान की दिव्य ध्वनि समोसरण में खीरी, उसी क्षेत्र में उसी समय क्षयोपशम विशेष थे, जिनका एकदम क्षयोपशम प्रकट हुआ, तो जिनको 4 बुद्धि प्रकट हो गई, 4 ज्ञान। 4 ज्ञान कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मनाप्रिय। हमें और आपको हैं 2 ज्ञान, मति और श्रुत, वो अंश रूप हैं, श्रुत ज्ञान अंश रूप है। तो उनको ये 4 ज्ञान एक साथ प्रकट हो गए, और चार अमल बुद्धि संपन्न न ब्रह्म ने न, वो ब्राह्मण थे, और गौतम गोत्ते न, गौतम उनका गोत्र था, गौतम गोत्र था इसलिए गौतम कहलाए, शैल दुस्सु ही पारेण, संपूर्ण दुस्श्रुति में पारंगत थे, अर्थात जितने भी संसार में विश्व में विद्याएं थी उस समय, 14 महाविद्या आदि संपूर्ण वेद वेदांग, वैदिक ग्रंथों के वेद वेदांग, जैन ग्रंथों को छोड़कर वैदिक ग्रंथों के जितने भी वेद वेदांग थे उस समय पारंगत थे, इसलिए संपूर्ण दुस्श्रुति के पारंगत, जीव और अजीव के विषय में जिनको संदेह हुआ तो उसके विनाश को दूर, उसको दूर करने के लिए भगवान की जो, तो वो जो आए तो उगय वर्धमान पाद मूलेन, जिन्होंने अपने संदेह को दूर करने के लिए, ये मालूम है ना कथा कि भगवान महावीर स्वामी को वैशाख शुद्धि दशमी के दिन केवल ज्ञान हो गया, और 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, समोसरण इधर गया उधर गया, कहीं भी समोसरण बनता रहा, भगवान का श्री विहार होता रहा। तब अकस्मात इंद्र के मस्तिष्क में इंद्र को ये चिंतन हुआ, क्यों, क्या कारण है, भगवान महावीर मौन क्यों हैं? तो उन्होंने सोचा गणधर नहीं है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को समझने वाले गणधर नहीं, समझाने वाले गणधर नहीं हैं। तो वो सोच करके, और उस समय एक पास में कोई गांव था, ब्राह्मण नगर कहीं आया है नाम, वहाँ पर अपने 500 शिष्यों को पढ़ाने वाले बहुत बड़े उपाध्याय पंडित ब्राह्मण
इंद्रभूति अग्निभूति वायुभूति तीन महाविद्वान थे। उसमें इंद्रभूति सबसे प्रथम बहुत ज़्यादा गर्विष्ठ महान अभिमानी और संपूर्ण वेद वेदांग में पारंगत। वो समझते थे कि सारे विश्व में हमारे बराबर अब कोई विद्वान है ही नहीं। तो इंद्र वहाँ पहुँचते हैं और युक्ति से उनके सामने उनको लाने का उपक्रम करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कोई एक श्लोक पढ़ा और बोले इसका अर्थ बता दो, मेरे भगवान मौन है, मौन है, मेरे गुरु मौन है, वो चुप बैठे हुए हैं, इसका अर्थ आप बता दो। तो नहीं बता पाए, चिंतन करते रहे। जैन धर्म से संबंधित प्रश्न था तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो तुम्हारे गुरु के पास ही मैं इसका अर्थ बताऊँगा। यानी ये नहीं कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कहा तुम्हारे गुरु से वाद विवाद करूँगा और उनको बताऊँगा ये अर्थ क्या है। ज़रा घमंड में आकर बोले और चल पड़े। इंद्र तो चाहते ही थे कि किसी भी तरह हम इनको ले चले। और समवसरण के पास पहुँचते ही मानस हम देखते उनका मान गणित हो गया एकदम, उनका मिथ्यात्व उसके सौ 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 टुकड़े अखंड टुकड़े हो गए, खंड खंड हो गए, अखंड मिथ्यात्व के खंड खंड सौ सौ टुकड़े हो गए एकदम। मिथ्यात्व दूर होते उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और उनकी आँख खुल गई, अरे धन्य है। और एकदम जैसे मुख से जयत भगवान आदि उच्चारण करते हुए भगवान के समवसरण में प्रविष्ट होकर के और भगवान के श्री चरणों में ऐसे समर्पित हुए कि बस भगवान बस आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे नाथ हैं। और तत्काल ही उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, सब परिग्रह छोड़ करके और केश लोच वगैरह करके तत्काल दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेते ही उनको मनापरि ज्ञान तक चार ज्ञान प्रकट हो गए और संपूर्ण रिद्धियाँ प्रकट हो गईं। और उसी क्षण वो गणधर हो गए और उसी क्षण भगवान की दिव्य ध्वनि खिर गई, ये आगे भी आ रहा है। तो यही कह रहे हैं कि भगवान के पाद मूल में वो पहुँचे कौन, इंद्रभूति, इंद्रभूति इनका नाम था। और उन्होंने भगवान की वाणी को अवधारित उदाहरण किया, श्रवण किया, सुना, ये यहाँ बताया है। अब इसके आगे पढ़ेंगी चंद्रावती, इसका अर्थ 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 पढ़ते चलो आगे पेज नंबर दो पर अर्थ कतारा दुभिया। अब धवला पुस्तक नौ से कुछ उदाहरण है, पेज नंबर दो प्रकार के हैं, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। उनमें अर्थकर्ता भगवान महावीर हैं, ये आपको पूज्य माता ने बताया कि अर्थकर्ता के रूप में जिनकी प्रथम दिव्य ध्वनि गिरी वो भगवान महावीर स्वामी हुए। ग्रंथकर्ता श्री गौतम स्वामी हैं, ऐसे श्री गौतम स्वामी की महिमा देखिए धवला ग्रंथ में। तो इन प्राकृत के शब्दों के द्वारा गौतम स्वामी की महिमा को इसमें दर्शाया गया। पेज चार पर आजा, हिंदी ले लो। संक्षिप्त शब्द रचना से एक श्लोक को पढ़ लेते हैं। वासस पढ़म मासे पढ़ में पक्खम मिसावणे बहुले पाड़िवद पूव दिवसे तितु पत्ति दुअबी जिम्मी। संक्षिप्त शब्द रचना से सहित अनंत अर्थों के ज्ञान के हेतु अनेक चिन्हों से संयुक्त बीज पद कहलाता है। 18 भाषा व 700 लघु भाषा स्वरूप द्वादशांगात्मक उन अनेक बीज पदों के प्ररूपक अर्थकर्ता तथा बीज पदों में लीन अर्थ के प्ररूपक 12 अंगों के कर्ता गणधर भट्टारक ग्रंथकर्ता हैं, ऐसा स्वीकार किया गया है। यहाँ भट्टारक शब्द जो है परम पूज्यता के अर्थ में है। भगवान महावीर के लिए भी कई जगह भट्टारक शब्द का प्रयोग है और ग्रंथकर्ता के रूप में गणधर स्वामी को भट्टारक संज्ञा दी है, ऐसा स्वीकार किया गया है। अभिप्राय यह है कि बीज पदों के जो व्याख्याता हैं वे ग्रंथकर्ता कहलाते हैं। इसमें शंका उत्पन्न हुई है कि उक्त कर्ता की प्ररूपणा किस लिए की जाती है, उसका समाधान दिया है। ग्रंथ की प्रमाणता को बतलाने के लिए कर्ता की प्ररूपणा की जाती है। ग्रंथ की प्रमाणता कैसे, अगर चलते फिरते किसी राहगीर ने कोई बात कह दी वो उतनी प्रमाणिक नहीं मानी जाती है, यदि कोई अधिकृत व्यक्ति ने कहा है तो उस बात को प्रामाणिक माना जाता है। तो इसलिए कहा कि ग्रंथ की प्रमाणता को बतलाने के लिए कर्ता की प्ररूपणा की जाती है कि किसने इस बात को कहा है। राग द्वेष व मोह से युक्त जीव यथोक्त अर्थों का प्ररूपक नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सत्य वचन के नियम का अभाव है, इसी कारण उसकी प्ररूपणा की जाती है। जो कोई व्यक्ति गृहस्थ हैं
या राग द्वेष से लिप्त हैं तो वो जरूरी नहीं है कि हर बात को प्रामाणिक कह सकें, लेकिन जिनके सत्य महाव्रत हैं, जो पूर्ण रूप से सत्य बोलने के अधिकारी हैं, तो उनके वचनों को बहुत ही सत्य और प्रामाणिक माना जाता है। तो इसी कारण उसकी प्ररूपणा की जा रही है, वह इस प्रकार है। पांच महाव्रतों के धारक, पांच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और महाराज यहाँ पर विराजमान हैं आचार्य रणसागर महाराज। ये पांच महाव्रतों का पालन करने वाले महाव्रती साधु और आचार्य कहलाते हैं। तो पांच महाव्रतों के धारक तीन गुप्तियों से रक्षित, तीन गुप्तियाँ कौन सी हैं? पांच समितियों से युक्त, आठ मदों से रहित, सात भयों से मुक्त, बीज कोष्ठ पदानुसारी व संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धियों से उपलक्षित, प्रत्यक्ष भूत उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से असंख्यात लोक मात्र काल में अतीत अनागत एवं वर्तमान परमाणु पर्यंत समस्त मूर्त द्रव्य व उनकी पर्यायों को जानने वाले तप्त तप लब्धि के प्रभाव से मलमूत्र रहित दीप्त तप लब्धि के बल से सर्वकाल उपवास युक्त होकर भी शरीर के तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाले सर्वौषधि लब्धि के निमित्त से समस्त औषधियों स्वरूप अनंत बल युक्त होने से हाथ की कनिष्ठ उंगली द्वारा तीनों लोकों को चलायमान करने में समर्थ अमृताश्रवादी रिद्धियों के बल से हस्तपुट में गिरे हुए सब आहारों को अमृत स्वरूप से प्रणमाने में समर्थ महातप गुण से कल्प वृक्ष के समान अक्षीण महानस लब्धि के बल से अपने हाथों में गिरे हुए आहारों की अक्षयता के उत्पादक अघोर तप रिद्धि के महात्म्य से जीवों की मन वचन एवं कायगत समस्त कष्टों को दूर करने वाले संपूर्ण विद्याओं के द्वारा सेवित चरण मूल से संयुक्त आकाश चारण गुण से सब जीव समूहों की रक्षा करने वाले वचन एवं मन से समस्त पदार्थों के संपादन करने में समर्थ अणिमा आदि आठ गुणों के द्वारा सब देव समूहों को जीतने वाले तीनों लोकों के जनों में श्रेष्ठ परोपदेश के बिना अक्षर व अनक्षर रूप सब भाषाओं में कुशल एक साथ ध्यान देने में है कि तीनों लोगों के जनों में श्रेष्ठ गणधर देव जो है भगवान के बाद दूसरा नंबर उन्हीं के बाद आता है तीर्थंकर के बाद तीनों लोगों में श्रेष्ठ कहा है यानी गणधर की उपमा गणधर से ही दी जा सकती है और किसी से नहीं दी जा सकती गणधर की उपमा अपने आप में बहुत विशेष है तो ये गणधर की सभी रिद्धियों को बता रहे हैं। चलिए आगे परोपदेश के बिना अक्षर व अनक्षर रूप सब भाषाओं में कुशल समो शरण में स्थित जनमात्र के रूप के धारी होने से हमारी भाषाओं से हमको ही कहते हैं इस प्रकार सबको विश्वास कराने वाले तथा समो शरणस्थ जनों के कर्ण इंद्रियों में अपने मुँह से निकली हुई अनेक भाषाओं के सम्मिश्रित प्रवेश के निवारक ऐसे गणधर देव ग्रंथ करता हैं। इतने सारे विशेषण गणधर देव भगवान के बताए, ऐसे गणधर देव भगवान के मुख से जो वाणी निकली है उसके बारे में यहाँ चल रहा है प्रकरण, क्योंकि ऐसे स्वरूप के बिना ग्रंथ की प्रमाणता का विरोध होने से धर्म रसायन के द्वारा समव शरण के जनों का पोषण बन नहीं सकता। किसी भी जानकारी के लिए